हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, आज ही उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सात स्वरों के क्रमयुक्त आरोहरों को क्या कहते हैं? ग्राम, मूर्छना, जाति या फिर थाट। तो मूर्छना कहा जाता है। संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए? 5, 18, 40 या फिर 15। तो 15। राग मालकोस की जाति कौन सी है? ओड़व शाड़व, शाड़व शाड़व, ओड़व ओड़व, ओड़व संपूर्ण। तो ओड़व ओड़व जाति का राग है ये। शारंगदेव ने 10वीं राग वर्गीकरण दिया है, बिल्कुल राइट। षड्ज ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर था, नहीं 17वीं पर था। शंकर राव पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है, बिल्कुल ठीक। अहोबल ने स्वरों की स्थापना वीणा के तार की लंबाई पर की थी, ठीक। तो आपका अ, स और द ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे, राइट। तानपुरे की पहली तार को षड़ से मिलाया जाता है, रोंग। रूपक में पहली मात्रा पर खाली है, झपताल में आपके चार विभाग होते हैं, तो आपका राइट बना अ और स। तो इसमें आपका ऑप्शन जो राइट बना वो है आपका थर्ड। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बागेश्वरी का जो संबंध है काफी थाट से है। मीन का संबंध रेपा से है। धमार ताल का धिट धिट है। मालकोस गधानी है, तो आपका राइट बना फर्स्ट ऑप्शन ही। राग भैरव में रेपा स्वर वर्जित है, बिल्कुल रोंग। भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश है, बिल्कुल राइट। तो आपका ये बनेगा कथन एक तो गलत है और कथन दो सही है, फोर्थ ऑप्शन। तानपुरे के जोड़े के तार को मध्यम से मिलाया जाता है, बिल्कुल रोंग। सा से मिलाया जाता है। संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, तो आपका दोनों ही गलत है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, मूर्छना अलाप मुर्की, इन दो में से एक, तीन में से दो की देनी थी। संगीत परिजात ग्रंथ आया हुआ था और फयाज खां के भारतीय संगीत का योगदान में वर्णन और राग बागेश्वरी की विशेषताओं का वर्णन करना था, इन दोनों में से कोई एक करना था। राग मालकोस का 50 स्वरों तक विस्तार या फिर तानपुरे को मिलाने की विधि। और 12th क्वेश्चन था संगीत रत्नाकर में दिए गए सांगीतिक तत्वों का, यानी कि आपको संगीत रत्नाकर ग्रंथ ही बताना था या बड़े गुलाम अली खां का जीवन पीछे, इन दोनों में से कोई एक बताना था। नेक्स्ट था कोई डेफिनेशंस दी हुई थी, गमक, मीण, अलंकार, तो कोई दो लिखनी थी और उनमें से कोई आपको रागों का समय सिद्धांत जो है दिया हुआ था। नेक्स्ट है ताल रूपक और झपताल का परिचय देते हुए, ताल रूपक में तो तिगुण और झपताल में जो है चौगुण लिखनी थी, ठीक है। तो ताल रूपक और झपताल का परिचय देना था और इसकी तिगुण और इसकी चौगुण लिखनी थी झपताल की। भैरव के द्रुत ख्याल की स्वरलिपि जो है लिखनी थी या फिर किसी भी एक राग में जो है धमार की स्वरलिपि जो है लिखनी थी। तो दोनों क्वेश्चन ही जो है आपके ईजी है, तो आपका पेपर जो है ऑल ओवर काफी ईजी था। तो आपको मेरे चैनल से जो भी हेल्प मिली हो, जैसा भी आपको लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।